गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम नीलम फ्रॉम एस डी टी वी स्कूल वेलकम टू एल्गा क्लास सो स्टूडेंट्स आज हम लर्न करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द स्टोरी पुण्यकोटी द काओ इसमें क्या है काओ का नाम क्या है पुण्यकोटी सो so क्वेश्चन क्या है वट वॉज द प्रोमिस मेड बाय द लॉइन टू पुण्यकोटी कि लायन ने पुण्यकोटी को क्या प्रोमिस किया सो so स्टूडेंट ये स्टोरी हम पहले रीड आउट कर चुके हैं इसमें एक काव है जो जंगल में जाती है और लॉयन उसका शिकार करने के लिए उसे रोकता है और वो उसे क्या प्रॉमिस करती है कि मेरा छोटा बच्चा है उसे मैं दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी फिर तुम मुझे खा लेना सो so, उसकी क्वेश्चन आंसर आज हम रिवाइज कर रहे हैं द लॉइन प्रोमिस्ड पुण्य कोटी दैट ही वुड नॉट ईट हर और एनी अदर काओ सो लॉइन क्या है पुण्यकोटि को प्रॉमिस करता है कि वो क्या है कभी भी किसी को और किसी और गाय को नहीं खाएगा वाई डू यू थिंक द लॉइन मेड दैट प्रामिस टू पुण्यकोटी सो लॉयन ने पुण्यकोटी को ऐसा प्रोमिस क्यों किया आई थिंक दैट द लॉइन मेड दैट प्रोमिस बिकॉज ही रिस्पेक्टेड पुण्यकोटि फॉर कीपिंग हर प्रोमिस सो पुण्यकोटी ने अपना प्रोमिस क्या है पूरा किया था और उसकी वो लॉइन क्या है रिस्पेक्ट करता है इसलिए वो क्या है ऐसा प्रोमिस करता है वाइल्ड वंडरिंग इन द जंगल वट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड सो वंडरिंग का मीनिंग क्या है वॉकिंग अराउंड हैव यू एवर मेड अ प्रोमिस विच वॉज़ डिफ़िकल्ट टू कीप वट डिड यू डू क्या आपने कभी किसी को ऐसा प्रोमिस किया है जिसको निभाने में आपको डिफ़िकल्टी हुई हो यस आई मेड अ प्रोमिस विच वॉज़ डिफ़िकल्ट टू कीप हाँ मैंने भी ऐसा कोई प्रोमिस किया है जिससे निभाने में मुझे डिफ़िकल्टी हुई है आई प्रोमस्ड माई फादर दैट आई वुड नाट वॉच टी वी फॉर अ वीक कि मैंने अपने फादर को प्रॉमिस किया कि मैं एक हफ्ते तक टीवी नहीं देखूंगा वेन हैव यू फेल्ट स्केयर्ड और वरिड लाइक द करेक्टर आई फेल्ट वरिड वेन आई लॉस्ट माई नोटबुक इन स्कूल ओके स्टूडेंट्स वाई डिट पुनॉट डिसाइडेड टू गो बैक टू द लॉन्न सो so, पुण्यकोटी ने लॉइन के पास जाने के लिए वापस क्यों डिसाइड किया था पुण्यकोटि डिसाइडेड टू गो बैक टू द लॉयन टू कीप हर प्रोमिस अपने प्रोमिस को निभाने के लिए वो लॉइन के पास वापस गई थी पुण्यकोटी वॉज अ मदर हु वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ हर काफ वाई डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड वट डू यू थिंक इज द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड सो यहाँ पर इस अंडरलाइन वर्ड फोंड का मीनिंग क्या है टू लव बिकॉज पुण्यकोटी एक मदर थी और वो क्या थी अपने अपने बछड़े को काफ को बहुत प्यार करती थी सो so, फोंड का मीनिंग क्या है टू लव सो स्टूडेंट्स आपको अपनी वर्कशीट एटीन में दिए इन क्वेश्चन को अच्छे से लर्न करना है ओके स्टूडेंट्स थैंक यू